वेल इन टुडेस क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट पे जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट की। अगर मैं कंसेप्ट की बात करता हूँ तो आपको दो चीजों का पहले पता होना चाहिए। फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। भाई रेजिस्टेंस का जो जो रेजिस्टेंस की जो कनेक्टिविटी होती है वो दो तरह से होती है, या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है या सीरीज कॉम्बिनेशन में होती है। तो अगर रेजिस्टेंस की जो कनेक्टिविटी है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, दैट दिस इज द सर्किट, दिस इज रेजिस्टेंस आर वन, दिस इज रेजिस्टेंस आर टू एंड दिस इज रेजिस्टेंस आर थ्री। ठीक है, और ये हमने बैटरी ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप ये देखो, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, राइट? अब देखो आर वन रेजिस्टेंस का भी जो पॉजिटिव वाली साइड है वो एक ही तरफ है, आर टू जो रेजिस्टेंस है उसकी भी पॉजिटिव टर्मिनल एक ही साइड है लेफ्ट साइड में, और आर थ्री का भी लेफ्ट साइड में, और तीनों रेजिस्टेंस का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एक ही साइड में। तो जब इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल सभी रेजिस्टेंस का एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ, तो इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है दैट इज वन बाय आर पी, वो इक्वल होता है वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर। ये समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस इन सीरीज, जब रेजिस्टेंस सीरीज में, सेकंड कॉम्बिनेशन कैसा होता है सीरीज में, जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज रेजिस्टेंस आर वन, देन दिस इज रेजिस्टेंस आर टू, दिस इज रेजिस्टेंस आर थ्री, राइट? अब ये हो गया टर्मिनल ए, ये हो गया टर्मिनल बी। अब आप ये देखो कि ये जो रेजिस्टेंस आर वन है ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, और रेजिस्टेंस आर टू का ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, इसी तरह से रेजिस्टेंस आर थ्री का ये पॉजिटिव एंड है ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो देखो जो साइड, जो एंड आर वन का नेगेटिव टर्मिनल है वो एंड आर टू का पॉजिटिव है। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल की कनेक्टिविटी होती है दो रेजिस्टेंस के बीच में तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। वो क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? आर एस, आर एस मीन्स रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू क्या होता है? आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये समझ में आ गया? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक चीज ये भी पता होनी चाहिए कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? वोल्टेज पोटेंशियल जो होता है, वोल्टेज या पोटेंशियल, ये सेम होता है। ये क्या होता है? सेम होता है। और जो करंट होता है ये डिफरेंट होता है। इसी तरह से जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें जो करंट कॉम्बिनेशन होता है वो सेम होता है, करंट का फ्लो सभी रेजिस्टेंस में सेम होगा, लेकिन जो वोल्टेज है पोटेंशियल है वो डिफरेंट होता है। जो वोल्टेज है पोटेंशियल है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है, राइट? तो ये छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए सर्किट डायग्राम के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड ये पहले बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, इसके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। अब सिंपल सी बात ये देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर को कॉपी कर लेता हूं। चलिए अब आप ये देखो, आपको जो रेजिस्टेंस निकालनी है, हमें जो रेजिस्टेंस फाइंड करनी है वो ए और बी पॉइंट के बीच में फाइंड करनी है, राइट? अब आप ये देखो कि अगर पहले आप ये देखो कि एक एंड तो आपका जो एक पॉइंट है आपका वो है ए और एफ, और उसके बाद एक पॉइंट हमारा आता है कि एक रूट आया था एफ टू बी, राइट?
राइट, आपको ए टू बी के बीच में निकालनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेट अस अज्यूम दैट कि ए से लेके एफ पॉइंट के बीच में जो ये टोटल रेजिस्टेंस है वो आर है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेट अस अज्यूम दैट बिटवीन पॉइंट ए एंड एफ टोटल रेजिस्टेंस भी कैपिटल आर, राइट, और एफ और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो बी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आप इसको ऐसे देखो कि ए और एफ इसके बीच में जो आपकी रेजिस्टेंस है वो आर है। अब अगर ये आर है, ठीक है, इसके आगे फिर क्या है, पॉइंट बी, और एफ और पॉइंट बीच के बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है आपकी, 36 ओम, दिस इज 36 ओम। अब आप ये देखो कि अगर मैं इस आर की वैल्यू निकाल दू, अब देखो ये है क्या, अगर आप इसको आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। एक चीज तो क्लियर है कि ये जो आर रेजिस्टेंस है और ये जो 6 ओम रेजिस्टेंस है ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो मेन जो दिक्कत है मुझे, या फिर जो मेन मुझे जो फोकस करना है, सम हाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस आर आर रेजिस्टेंस जो पॉइंट सी से लेके एफ के बीच में है। पॉइंट सी से लेके एफ के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस होगी पहले मुझे वो फाइंड करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन तो यही है, ठीक है। अब आप ये देखो कि पॉइंट सी और एफ के बीच में गिवन क्या है आपको। आप ये देखो, देखो दिस इज पॉइंट सी, कैन आई से दैट पोटेंशियल एट पॉइंट सी, पोटेंशियल जिसको वोल्टेज भी कहते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पोटेंशियल एट पॉइंट डी। देखो जितनी पोटेंशियल इस पॉइंट पर है उतनी पोटेंशियल आपकी ई पॉइंट पर भी होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेड कलर से दोनों को पॉइंट आउट कर रहा हूं। तो सी और ई पे सेम पोटेंशियल है। नाउ कैन आई से दैट, कैन आई से दैट पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट डी, जितनी पोटेंशियल डी पॉइंट पर होगी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट एफ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आप ये देखो, मुझे जो रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, मुझे जो रेजिस्टेंस फाइंड करनी है वो सी से एफ के बीच में फाइंड करनी है, सी और एफ के बीच में। भाई जो मेरे को आर फाइंड करना वो यही है ना, यहां से शुरू हो गया और इस पॉइंट तक आर। तो बेसिकली मुझे जो रेजिस्टेंस फाइंड करनी है पहले, लास्ट में हमें ए और बी के बीच में निकालना है। पहले मुझे क्या निकालना है कि सी और एफ के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा। जब वो सी और एफ के बीच में रेजिस्टेंस आ जाएगा तो फिर हम ए और बी के बीच में निकाल सकते हैं। तो पहला मेरा जो टारगेट है वो ये है कि सी और एफ के बीच में रेजिस्टेंस आर जो होगा टोटल वो कितना है, ठीक है। अब आप ये देखो सी और एफ, अब इस डायग फिगर पे देखो, जितना पोटेंशियल सी पर है उतना ई पर है, ठीक है, जितना पोटेंशियल एफ पर है, जितना पोटेंशियल एफ पॉइंट पर है उतना डी पॉइंट पर है। तो कहने से था जितना पोटेंशियल डी पॉइंट पर है उतना ही एफ पॉइंट पर भी है, तो यहां पर मैं एफ भी लिख सकता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से बताता हूं, देखो मैंने कहा आपको जितना पोटेंशियल आपका एफ पॉइंट पर है उतना ही पोटेंशियल डी पॉइंट पर है, जितना पोटेंशियल हमारा एफ पॉइंट पर है उतना ही पोटेंशियल हमारा डी पॉइंट पर है। इसका मतलब जो डी पॉइंट पर पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू एफ। मुझे पोटेंशियल फाइंड, मैं ये कह रहा हूं आपको कि सी और एफ, सी और डी पॉइंट के, सी और एफ के बीच में जितना पोटेंशियल है उतना ही सी और डी के बीच में। अब यहां से मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ इसको समझो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी आपने देखा था कि पोटेंशियल सेम किस कॉम्बिनेशन पर होता है। पोटेंशियल सेम जो होता है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम है, अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब वो जो रेजिस्टेंस है वहां पर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन पर है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप ये देखो कि सी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितना, 20 ओम, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा, सी और एफ के बीच में पोटेंशियल कितना है, सी और डी, डी को हमने एफ ले लिया था, सी और एफ के बीच में। तो ये हो गया सी और ये हो गया पॉइंट एफ, इनके बीच में रेजिस्टेंस कितनी है, 20 ओम। ये समझ में आ गया, ठीक है। सी और एफ के बीच में जो पोटेंशियल फर्स्ट रेजिस्टेंस है हमारी वो कितनी है, 20 ओम, ठीक है। ऐसे देखो
जितना पोटेंशियल पॉइंट ई पर है, जितना पोटेंशियल पॉइंट ई पर है उतना ही पोटेंशियल पॉइंट सी पर है। तो यहां भी मैं सी की जगह ई ली सकता हूं, यहां भी मैं सी की जगह ई ले सकता हूं। अगेन सी पॉइंट और एफ पॉइंट के बीच में कितनी रेजिस्टेंस है, 10 ओम, और सेम पोटेंशियल है, तो इसका मतलब ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। इसका मतलब सी और एफ के बीच में जो सेकेंड रेजिस्टेंस है हमारी वो कितनी होगी, 10 ओम, और वो भी कैसे होगी, पैरेलल टू 20 ओम। इस 20 ओम के ये 10 ओम क्या होगा, पैरेलल होगा। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जी, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, अब इस पर बात करते हैं। ये कौन सा पॉइंट है हमारा, सी, ये कौन सा पॉइंट है, एफ। अगेन सी और एफ पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है, तो ये बाकी रेजिस्टेंस के साथ ये भी क्या होगी, पैरेलल में। सी और एफ के बीच में मतलब उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जिनके बीच में पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस पे भी जो पोटेंशियल है और इस रेजिस्टेंस का भी जो पोटेंशियल है और इसका भी जो पोटेंशियल है वो सारा का सारा सेम है, लेट इट बी वी। तो अगर तीनों रेजिस्टेंस में सेम पोटेंशियल जा रहा है तो तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसको आर वन लेता हूं और इसको मैं लेता हूं आर टू और इसको मैं लेता हूं आर थ्री, समझ में आ रहा है। तो ये जो आर थ्री वाला रेजिस्टेंस है ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। अब क्यों होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल है वो सेम है। तो जिस जिस रेजिस्टेंस, जो जो रेजिस्टेंस सी और एफ के बीच में होगी वो सब पैरेलल में होगी, क्योंकि सबके पास जो पोटेंशियल जा रहा है वो सेम जा रहा है। लेट इट बी आर वन, लेट इट बी आर टू एंड लेट इट 20 ओम विच इज आर थ्री। ये समझ में आ गया, ठीक है। नाउ इक्विवेलेंट, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड एफ बी आर पी, ठीक है, आर पी एज रेजिस्टेंस आर वन आर टू एंड आर थ्री आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देयरफॉर वन बाय आर पी विल बी इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो वन बाय आर पी, 1/R1 हमारा क्या था 1/20, 1/R2 क्या था 1/10 और 1/R3 क्या था 1/20। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो 1/RP क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 20, तो ये हो गया 1, 10 2 जा 20, 20 1 जा 20। सो कैन आई से दैट 1/RP इज इक्वल टू 4/20। तो RP इसको मैं रेसिप्रोकेट करता हूं तो ये फ्रैक्शन भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा, दैट इज 20/4, तो ये आ गया 5। ये कितना आ गया 5, दैट इज रेजिस्टेंस बिटवीन या टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड पॉइंट एफ इज इक्वल टू आरपी इज इक्वल टू 5 ओम। ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जी, अब हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। We have to find the equivalent resistance between point A and B. Point A and B. Point A and B. Now what we will do? Now, equivalent resistance इसी तरह से था ना क्वेश्चन आपका, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, राइट। ये पॉइंट ए है आपका, दिस वन एंड दिस वन पॉइंट बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी विल बी इक्वल टू व्हाट। देखो ये जो पूरी रेजिस्टेंस थी सी और एफ के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो हमारी आ चुकी है आरपी, और ये हो गया 6 ओम। तो आप क्या कहोगे, इट विल बी इक्वल टू
आरपी प्लस 600, आरपी प्लस 600 वाई, बिकॉज आरपी एंड 600 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ए एंड बी, बी आप ऐसे भी ले सकते हो, बी आर एस, बी आर एस, ठीक है। तो विच इंप्लाइज आर एस इज इक्वल टू, मीन्स फाइनल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हमने आर एस ले लिया, ठीक है। तो आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आया हमारा, 5 ओम प्लस 6 ओम, तो फाइनल आंसर विल बी 7 ओम, सॉरी 11 ओम, फाइनल आंसर विल बी 11 ओम, राइट। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पॉइंट ए और बी के बीच में वो कितना होगा, 11 ओम, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू इज वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, ये आपका ए पॉइंट है बी पॉइंट है, ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी वो आपको फाइंड करनी है। देखो तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है और करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, यही बताया था। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंट होता है, ये बात समझ में आ रही है। अब प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने जो कंसेप्ट यूज किया था पोटेंशियल वाला, हमने पोटेंशियल वाले कंसेप्ट को यूज करके हमने ये देखा कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में, अगर सेम पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस जो आ रही है, यानी कि सेम पॉइंट्स का मतलब जैसे हमने सी और एफ के बीच में हमने ये देखा कि पोटेंशियल सेम था, तो सी और एफ के बीच में जो भी रेजिस्टेंस थी उन सभी का पोटेंशियल सेम था, तो हमने कहा कि जितनी भी रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगी, बिकॉज पोटेंशियल सेम जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है। अब हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में, देखो यहां से ये मान लो इस 8 ओम में जो रेजिस्टेंस है, करंट जो है 8 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई फ्लो हो रहा है, राइट। अब ये आई आगे जाता है, आई फ्लो होते होते यहां आ गया, अब आगे जाके आई जो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक पोर्शन इस 6 ओम रेजिस्टेंस के पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा, एक किसके पास, इसका मतलब करंट जो है तीनों रेजिस्टेंस के पास वो सेम नहीं जा रहा, डिफरेंट जा रहा है। और इससे क्या हमें पता चलता है कि जो तीनों रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो आई यहाँ पे डिवाइड हो गया, लेकिन जैसे यहां से बाहर निकलेगा फिर वो आई होगा, ओवरऑल तो टोटल रेजिस्टेंस जो यहां से पहले यहां से आई गया डिवाइड हो गया I1, I2 और I3 में, लेकिन जब यहां से वो करंट बाहर आएगा फिर वो आई हो जाएगा, ये भी आई, ओवरऑल अगर मैं इसको देखूं तो ये भी आई, टोटल तो आई है, और यहां पर जो आया है वो भी आई। अब यहां भी करंट सेम है, यहां भी सेम है, और यहां से जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी उसका भी जो करंट होगा वो भी क्या होगा, आई ही होगा। इसका मतलब यहां से अगर मान लो रेजिस्टेंस हमें आर मिलता है, तो आर रेजिस्टेंस, 8 ओम रेजिस्टेंस और 6 ओम रेजिस्टेंस, ये तीनों सीरीज में होंगी, बिकॉज इन तीनों में जो आपका करंट होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, देखो इसको आप ले लो R1, इस रेजिस्टेंस को हम ले लेते हैं R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4, ये हो गया R5, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर R2, R3 एंड R4 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हाई, बिकॉज करंट फ्लो थ्रू दीज रेजिस्टेंस, करंट फ्लो थ्रू दीज रेजिस्टेंस इज डिफरेंट, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। विच इंप्लाइज 1/RP इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो 1/RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2, R2 कितना हमारा 6, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/R3 कितना है 6, ये भी हो गया 1/6
प्लस 1/r4, ये भी कितना हो गया 1/6, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहां से आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 1 + 1 + 1 ही हो गया 3, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो आरपी इक्वल टू कितना हो गया, 6/3, दैट इज 2 ओम, ये कितना हो गया 2 ओम, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो R1, और यहां से जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है, यहां से जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज आरपी, R1 आरपी एंड R5, R इन सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ R1 आरपी एंड R5 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वाई, बिकॉज जो करंट है तीनों रेजिस्टेंस में वो क्या है, वो सेम है, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस RP प्लस R5, विच इज इक्वल टू R1, R1 कितना है, R1 है 8, तो ये हो गया 8 ओम। RP हमने अभी फाइंड किया था दैट इज 2 ओम, तो प्लस 2 ओम, प्लस R5 है 6 ओम, तो प्लस हो गया 6 ओम, तो टोटल ये हो गया 16 ओम, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज इट क्लियर। ठीक है, तो एक चीज आपने यहां पर अब इस क्वेश्चन में क्या सीखी कि अगर करंट डिफरेंट है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, पोटेंशियल सेम है तो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, इसका अपोजिट करो, करंट सेम है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंट है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, इज इट क्लियर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क अक्रॉस ए एंड बी, एंड दिस इज द सर्किट डायग्राम। देखो ये सर्किट डायग्राम है, अब इसमें ध्यान से देखो, ए और बी, एक एंड हो गया ए, एक एंड हो गया बी, ठीक है, एक एंड हो गया ए, ए को मैं पॉजिटिव टर्मिनल ले लेता हूं तो बी क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से आगे जाओ, ये पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, तो ये वाला एंड, ये वाला पॉइंट इसका पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये भी वाला पॉइंट भी पॉजिटिव होगा। अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों सेम जगह पर आ रहे हैं, तो ये दोनों जो कनेक्टिविटी होगी इनकी पैरेलल में होगी, दोनों का पॉजिटिव एक तरफ है। ठीक है, अब यहां से आओ नेगेटिव, तो यहां से अगर नेगेटिव से मैं जाऊंगा तो ये वाला एंड भी नेगेटिव, बिकॉज ये यहीं कनेक्ट हो रहा है, और ये वाला एंड भी क्या होगा, नेगेटिव, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये अगर एंड नेगेटिव हुआ तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, ऐसे ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव है तो ये वाला एंड क्या होगा, नेगेटिव, फिर अगर इसका एंड ये नेगेटिव है तो इसका एंड ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब इसमें देखो आप ध्यान से, अगर मैं यहां नेमिंग करता हूं तो लेट इट बी रेजिस्टेंस, ये हो गया R1, इसको ले लेते हैं R2, ये हो गया R3 और ये हो गया R4। नाउ कैन आई से दैट R1 एंड R2, हेयर R1 एंड R2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देयरफॉर RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 कितना हमारा 4 ओम, तो ये हो गया 4 ओम प्लस 8 ओम, दैट इज 12 ओम, इसको RS1 ले लेता हूं मैं, RS1, ठीक है, फिर आप क्या कहोगे, नाउ R3 एंड R4, R3 एंड R4 आर ऑल्सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आर ऑल्सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देयरफॉर RS2 विल बी इक्वल टू R3 प्लस R4, तो ये हो जाएगा 4 ओम प्लस 8 ओम, दैट इज 12 ओम,
ठीक है। अब आप ये देखो, यहां से जो आपकी टोटल रेजिस्टेंस आई है R3 और R4, और यहां से R1 और R2, ये आपस में कैसे, देखो पॉजिटिव एक तरफ आ रहा है, इस टोटल रेजिस्टेंस का पॉजिटिव एक तरफ आ रहा है और नेगेटिव एक तरफ आ रहा है, ये देखो। इसका मतलब RS1 और RS2 जो है हमारा वो पैरेलल में होगा, वो किसमें होगा, पैरेलल में। नाउ टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज RP, इज RP, राइट, दैट इज 1/RP इज इक्वल टू 1/RS1 प्लस 1/RS2, यही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/12 प्लस 1/12, 12 ये हो जाएगा 1 + 1, तो 1/RP क्या हो जाएगा, 2/12, दैट इज 1/6। तो कैन आई से दैट RP इज इक्वल टू 6 ओम, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फॉलोइंग सर्किट, राइट। नाउ दिस इज द सर्किट डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू अगेन, लेट अस नेम दिस रेजिस्टेंस। देखो इस रेजिस्टेंस को हम ले लेते हैं R1, दिस इज R2, दिस वन R3 एंड दिस वन R4, तो ये हो गया R5 और ये हो गया R6, राइट। अब आप ध्यान से देखो, टर्मिनल ए लेट इट बी पॉजिटिव टर्मिनल एंड इट दिस इज नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव टर्मिनल से यहां से देखो ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया, यहां से यहां जाओगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, राइट। अब नेगेटिव वाली साइड से अगर हम चलते हैं तो ये इस रेजिस्टेंस का नेगेटिव पॉइंट आ गया, और ये नेगेटिव वाली साइड से आप जाओगे तो ये भी क्या हो, ये हो गया नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव वाला हो गया। अच्छा अब यहाँ पॉजिटिव वाली साइड से आओगे तो ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, और देखो नेगेटिव वाले पॉइंट से जुड़ गया। इसी तरह से यहां से आओ आप, ये पॉजिटिव वाली साइड से आओ तो ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, तो ये देखो ये नेगेटिव वाले एंड पर जुड़ रहा है, ठीक है। अब यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन सी पैरेलल में। अगर मैं R1 और R2 की बात करता हूं तो ये तो सीरीज में है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हेयर R1 एंड R2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देयरफॉर RS1 इज इक्वल टू R1 + R2, तो R1 कितना है हमारा 1 ओम, और R2 भी कितना है हमारा 1 ओम, तो ये हो जाएगा 2 ओम, ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप देखो R3 एंड R4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। R3 एंड R4 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देयरफॉर RS2 विल इक्वल टू R3 + R4, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 + 1, 1 ओम + 1 ओम इज इक्वल टू 2 ओम, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो R5 और R6 के बीच में देखो, देखो जो R5 है इसका पॉजिटिव पॉइंट एक ही तरफ आ रहा है, और R6 जो है इसका भी पॉजिटिव पॉइंट एक ही साइड है, इसका मतलब R5 और R6 किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये देखो कि यहां से जो आपने इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जो आपके यहां से जो रेजिस्टेंस आई है वो आई है RS1, इन दोनों को कंबाइन करके जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आ रहा है, इस ये जो RS1 है टोटल रेजिस्टेंस, इसका पॉजिटिव भी तो इधर ही आ रहा है,
और इसका नेगेटिव भी नेगेटिव वाली साइड में आ रहा है। इसी तरह से आप देखो जो आपका आर एस टू आया है, मीन्स आर थ्री और आर फोर का कॉम्बिनेशन, जो आपका आर एस थ्री है, इसका पॉजिटिव भी पॉजिटिव वाली पॉइंट पर जा रहा है और इसका नेगेटिव भी नेगेटिव वाली साइड पर जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आर फाइव, आर सिक्स, आर एस वन, आर एस टू, ये सभी रेजिस्टेंस आपकी पैरेलल में है, क्योंकि सभी का पॉजिटिव पॉइंट एक तरफ है और नेगेटिव पॉइंट एक तरफ है। सबका पॉजिटिव लेफ्ट वाली साइड में आ रहा है, ए वाली साइड पर आ रहा है, और सबका नेगेटिव वाला पॉइंट जो है वो बी वाली साइड पर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आओ, आर फाइव कॉमा आर एस वन कॉमा आर एस टू एंड आर सिक्स, आर सिक्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देयरफॉर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देयरफॉर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज आर पी, दैट इज वन बाय आर पी इज इक्वल टू वन बाय आर फाइव प्लस वन बाय आर एस वन प्लस वन बाय आर एस टू प्लस वन बाय आर सिक्स। ये क्लियर हो गया? वन बाय आर फाइव, आर फाइव कितना हमारा, दैट इज टू, वन बाय आर एस वन भी टू आया था, वन बाय आर एस टू भी टू आया था, वन बाय आर सिक्स पे आपका टू है, वन बाय आर सिक्स पे हमारा क्या है, टू। तो एलसीएम तो टू ही आ जाएगा, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, तो वन बाय आर पी जो है हमारा ये हो गया फोर बाय टू, तो आर पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू बाय फोर, दैट इज वन बाय टू, विच इज इक्वल टू 0.5 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज इट क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से सर्किट डायग्राम को टैकल करना है। एक वे मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल देखो, दूसरा वे बताया करंट, और तीसरा वे मैंने आपको बताया मेथड कि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट से भी आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम को आपको देखना है, पहले आप देखो अगर पोटेंशियल वाला पॉइंट आपके पोटेंशियल वाले पॉइंट से सिंप्लीफाई कर पा रहे तो उसके साथ जाओ, फिर करंट वाले पॉइंट से अगर सिंप्लीफाई कर पा रहे तो उसके साथ जाओ, नहीं तो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से सिंप्लीफाई करके तीनों में से किसी भी एक मेथड के साथ आप सर्किट डायग्राम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।